जल्दी से आप ये देखिए कि फैक्टर पेमेंट्स और ट्रांसफ़र पेमेंट्स में क्या होता है। फैक्टर पेमेंट्स तो बेटा इनकम होती है, मेहनत के लिए पैसे मिलते हैं। तो जो आप फैक्टर सर्विसेज, आपने अभी देखा कि जो घर वाले हाउस होल्ड्स हैं वो उनको देते हैं फैक्टर सर्विसेज और बदले में उनको मिलती है फैक्टर इनकम या फैक्टर पेमेंट, ठीक है, फॉर्म्स देती हैं। वैसे ही होती हैं ट्रांसफ़र पेमेंट्स। ट्रांसफ़र पेमेंट्स कोई सर्विस देने, इसने उसके लिए कोई काम नहीं किया फिर भी इसको पैसे मिल रहे हैं, वन साइडेड। तो ये होती है ट्रांसफ़र पेमेंट्स फ्री के लिए, फ्री वर्क के लिए। तो जहाँ ये जो फैक्टर पेमेंट्स है ये लेना देना दोनों करती है, इसीलिए इसको बायलेटरल कहते हैं। बाय का मतलब होता है टू, ट्रांसफ़र पेमेंट में सिर्फ एक होता है, तो यूनिलेटरल कहा जाता है इनको, ठीक है। अब जो हम फैक्टर पेमेंट्स है वो नेशनल इनकम में कंसिडर करते हैं और ट्रांसफ़र पेमेंट्स को हम नेशनल इनकम में कंसिडर नहीं करते हैं। जैसे कोई रेमिटेंसेस, किसी ने अपनी तरफ से पैसे दे दिए, स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, महंगाई भत्ता, गरीबी भत्ता, ये सब कुछ, गिफ्ट्स हो गए, गुड्स हो गए, डोनेशन हो गई, पॉकेट मनी हो गई किसी की, ये सारी चीज़ें ट्रांसफ़र पेमेंट्स होती हैं, इसीलिए वन साइडेड होती हैं और हमको, हम इसको इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है, समझ में आ गई। अब एक होता है नेशनल डेट इंट्रस्ट, ये भी समझ लो, ये कभी कभी क्वेश्चन पेपर के अंदर आ जाता है। तो ये जो नेशनल डेट इंट्रस्ट होता है ये क्या होता है कि जो हमने अपने लोन्स पे, इस पे पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक डेट का भी पैसा हो सकता है, तो जब हम कोई लोन वगैरह लेती है सरकार उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करती है तो उसको हम नेशनल इनकम पे इंक्लूड नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं इंक्लूड? क्योंकि इसको फैक्टर पेमेंट नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो लोन लिया जाता है ये कंजम्पशन पर्पस के लिए लिया जाता है। तो आपने याद रखना है कि कभी भी कोई लोन कंजम्पशन पर्पस के लिए लिया जाता है या कोई बोरोइंग्स कंजम्पशन पर्पस के लिए की जाती हैं, है ना, कंजम्पशन पर्पस के लिए, तो हम उसके ऊपर का जो इंटरेस्ट होता है उसको नेशनल इनकम में कंक्लूड नहीं करते क्योंकि हम उसको ट्रांसफ़र पेमेंट कंसिडर करते हैं। ये आपने याद रखना है, ठीक है। इसके बाद आपको बताना चाहूँगी जल्दी से व्हाट इज़ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम इज़ मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी, ठीक है, और या फिर आप ये भी कह सकते हो सम टोटल ऑफ ऑल फैक्टर इनकम्स अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग वन ईयर, ठीक है। तो हु आर नॉर्मल रेजिडेंट्स? ऐसे लोग जिनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई करता है उस कंट्री में। इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब पैसा से रिलेटेड कि वो अर्निंग्स कर रहे हैं वहाँ के, और अपनी जो वो रहते हैं जिस जगह पर, जिस देश में, वो वन ईयर से ज़्यादा का टाइम होना चाहिए। ये नहीं कि 6 महीने ही आप एक जगह पे रहे हो तो आप नॉर्मल रेजिडेंट कहलाओगे, नो, ठीक है। इसमें इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस दोनों आते हैं। सिर्फ मैं इंडिविजुअल्स की बात नहीं कर रही, कोई बैंक है, कोई और इंस्टीट्यूशन है, कंपनी है, वो भी, उसके लिए भी ये रूल लागू होता है कि नॉर्मल रेजिडेंट कौन है,